प्रदेश कांग्रेस महामंत्री दयाल चौहान ने कहा कि सांवेर के केसरीपुरा में 15 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, वहीं अजरोद में 2 पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट अपने विधानसभा क्षेत्र का ही ध्यान नहीं रख पा रहे, तो जिले के 35 लाख लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे। चौहान ने कहा कि स्वयं को धर्म प्रवर्तक पार्टी बताने वाली भाजपा ने मदिरा की दुकानें तो खुलवा रखी है, किंतु मंदिर बंद करवा रखे हैं। जबकि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही पान गुटखा की दुकानों को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इनसे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। किंतु शहर एवं प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री एवं अधिकारी राजस्व के लालच में उल्टा इन्हें परमिशन देकर जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तत्कालीन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उस समय पे अपने 50 करोड़ रुपए लेने के लिए बेंगलोर के रिसोर्ट्स में ठहरे होते, और जो आज सांवेर के अंदर स्थिति हो रही है, वहाँ से विगत 35 सालों से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से जीतते आ रहा है। जनता उनको कितनी बार उनको वहाँ से विधायक बना है, उसी का नतीजा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने निर्वाचित जहाँ से क्षेत्र है वहाँ से, और अपने समर्थक हैं जो केसरीपुरा सांवेर के अंदर अपने समर्थक लोग हैं उन तक का ख्याल नहीं रख पाए। अजनौत के अंदर भी, ग्राम अजनौत के अंदर भी 2 पेशेंट निकले हैं कोरोना के, तो वो अपने समर्थकों, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का ख्याल नहीं रख पाते हैं। प्रभारी मंत्री इंदौर जिला है, यहाँ के 35 लाख जनता का किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। आज महामारी बढ़ती ही जा रही है, उसका रीजन क्या है? ना तो यहाँ पर समुचित किट है, ना यहाँ पर मंत्री ध्यान लगा रहे हैं। मंत्री मलाईदार पदों को लेने में व्यस्त है, मुख्यमंत्री झगड़ा सुलझाने में लगे हैं, सिंधिया जी को मनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जनता, इंदौर जिले की जनता और विशेष तौर पर सांवेर विधानसभा की जनता बड़ी परेशान, हैरान दृष्टि से सरकार की ओर ताक रही है। सरकार अपना फायदा बनाने में और मंत्रिमंडल बनाने में व्यस्त है।